नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अरिंदम। तो चलिए आज हम एक नया चीज के बारे में बातचीत करेंगे, वो है एमसीएक्स। एमसीएक्स में कैसे ट्रेड होता है और हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं एमसीएक्स में, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो देखिए एमसीएक्स में क्या होते हैं, मतलब एमसीएक्स क्या होते हैं, एमसीएक्स जो होता है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, इसके अंदर जो ट्रेड होता है वो होता है क्रूड ऑयल। और हम लोग आज बात करेंगे कि क्रूड ऑयल के बारे में कि सर क्रूड ऑयल में बहुत सारे जॉन मेरे को बताया था सर क्रूड ऑयल में ट्रेड कैसे होते हैं। देखिए क्रूड ऑयल के जैसे कि शेयर में, जैसे निफ्टी में हम लोग ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो ट्रेड करते क्या कि निफ्टी में अभी चल रहे सोचिए कि 19,500, तो ऐसे करके चलता है। लेकिन इसमें क्रूड ऑयल में आप लोग ट्रेड करेंगे तो आपको फ्यूचर देखना पड़ेगा, ठीक है। क्रूड ऑयल का आज आपका फ्यूचर देखना पड़ेगा कि यही होता है आपका इंडेक्स, ठीक है। जो भी हमारा फ्यूचर है वही होता है आपका इंडेक्स, तो ये देख के आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। पहले बात तो ये कि निफ्टी में हम लोग जो ट्रेड करते हैं वो होता है हमारा इक्विटी के अंदर, ठीक है ना। इक्विटी सेगमेंट अलग होता है और कमोडिटी सेगमेंट अलग होता है, तो इसको कमोडिटी को आपको ऑन करना है तो आपको ब्रोकर के साथ जुड़ना पड़ेगा और ब्रोकर के साथ आपको लिंक करा के वो कमोडिटी में जुड़ना पड़ेगा। तो कमोडिटी के लिए बेस्ट जो मैं ऐप्स यूज करता हूं वो होता है जीरोधा और उसके साथ साथ जो है हमारा अपस्टॉक। तो आप चाहे तो नीचे दिया हुआ लिंक जाके आप लोग इसमें अकाउंट खोल सकते हैं और एंजल वन भी आप कर सकते हैं। एंजल वन है, पेटीएम है, जिसके अंदर वो है कमोडिटी का पार्ट है। तो कमोडिटी में क्या होते हैं कि देखिए जैसे हम लोग क्या बताया कि निफ्टी में मतलब इंडेक्स एक होता है, लेकिन एक कमोडिटी में क्या होता है कि एक इंडेक्स होता है। देखिए आज हम डॉक्टर बी ट्रेडर में हम लोग एक ट्रेड दिए थे, ठीक है ना, क्रूड ऑयल का एक ट्रेड दिए थे जिसमें आप लोग जुड़ सकते हैं तो जुड़ जाइए। क्रूड ऑयल का 7,200 वाला पी उसको बताए थे 260 रुपए में खरीदने के लिए और वो 264 में प्रॉफिट बुक करने के लिए बोले थे, ठीक है ना। देखिए छोटा मोटा प्रॉफिट बनाने के लिए मैंने बोला था क्योंकि क्रूड ऑयल में मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन देखिए क्रूड ऑयल में एक्सपर्ट तब होना है कि जब आप लोग इक्विटी में ठीक ठाक कमा लेते हैं, ठीक ठाक कमा लेते तभी क्रूड ऑयल में आना, नहीं तो आप लोग फंस जाएंगे, ठीक है। पहली बात तो ये, क्रूड ऑयल में एक बार मैं लाइव भी करूंगा क्रूड ऑयल के बारे में एक दिन में, तो जरूर बताना कि इक्विटी की तरह आपको क्रूड ऑयल में जानना है तो जरूर बताना कि सर मेरे लिए एक लाइव चाहिए, तो मैं लाइव सेशन जरूर मैं करा दूंगा, ठीक है ना। उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि सर क्रूड ऑयल में लाइव हम लोगों को चाहिए, मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए क्रूड ऑयल क्या होता है, जैसे निफ्टी में मतलब ना 15 से 3:30 तक चलता है, लेकिन ये ना 15 से 11:30 बजे तक चलता है, तो बहुत ही बढ़िया एक टाइम होता है, बहुत ही लंबा एक टाइम होता है। तो जिसका ऑफिस है, जिसका वो सब वगैरह है, वो क्रूड ऑयल में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्रूड ऑयल एक ऐसा चीज है जिसके बारे में जो हमारा बाप दादा है, मतलब ठकुद्दा और उसके पापा जो था बड़े पापा, तो उसने क्या बताया था, उसने बताया था कि कमोडिटी के अंदर वो लोग सब जानते थे क्योंकि उन लोग गेहूं को बेचते थे, पहले रख देते थे उसके बाद उन लोग बेचते थे, उसके साथ साथ ऑनियन हो गया, जो भी कमोडिटी है मतलब गोल्ड रख देते थे, गोल्ड को बाद में बेचते थे, तो उसके अंदर जो ट्रेड होता है उसी के हम लोग बताते हैं कि कमोडिटी ट्रेड। और कमोडिटी के ट्रेड क्या होता है, जैसे निफ्टी के एनएससी के अंदर होता है निफ्टी का ट्रेड, और हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे तो निफ्टी में के अंदर होता है जो जिसका अंदर मतलब एनएससी बीएससी के अंदर ट्रेड होता है इक्विटी का, और एमसीएक्स के अंदर ट्रेड होता है हमारा कमोडिटी, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं कमोडिटी का अंदर क्या होते हैं। देखिए क्रूड ऑयल का हम लोग खोल लिया है कि 19 अक्टूबर 2023 का ए फ्यूचर का मतलब ये है चार्ट है, ठीक है। इसमें डे चार्ट हम लोग खोल लिया, तो डे चार्ट में देखेंगे इसमें सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है ना, इसके अंदर यहाँ पे सपोर्ट हुआ है। चलिए बड़ा करके हम लोग देखते हैं, पहले देखिए पहले सीखिए, ठीक है। चार्ट एक ही होता है लेकिन चार्ट को सीखना समझना जरूरी होता है, ठीक है, कि कैसे काम करते हैं। और कमोडिटी में ज्यादा से ज्यादा गैप अप और गैप डाउन होते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर काम करना उतना आसान नहीं है, पहले इसको देखना है, सीखना है, उसके बाद काम करना है। लेकिन ऐसे नहीं है कि हाँ मैंने आ गया बस चलो लगा दो पैसा, तो ऐसे करेंगे तो मतलब आपको पैसा चला जाएगा। मैं सच में आपको बता रहा हूं कि ऐसे करके आप लोग ट्रेड करेंगे तो आपको पैसा चला जाएगा, ऐसे मत कीजिए। देखिए ऐसे करके आप लोग ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्रूड ऑयल का पहले आपको फ्यूचर लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको ऑप्शन लेना पड़ेगा,
उसको जो मार्जिन होगा ना, उसको जो एक लॉट आपको मतलब एक क्वांटिटी के लिए आपको 25,000 रुपया शायद लगता है ना, कितना लगता है 25,000 रुपया, ठीक है, और चार्जेस लगता है 40 रुपया करके, 39 रुपया करके चार्जेस आपको लग जाता है एक बार ट्रेड करने के लिए, 39 रुपया 72 पैसा ऐसे करके लगता है, मतलब बहुत ही बड़ा एक चार्जेस लगता है, ठीक है। और आपको जो एक ट्रेड देखिए अभी चल रहा है 255 रुपये में, आपको सभी मैं बता देता हूँ कि कैसे कैसे, देखिए 256 रुपये में अभी चल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को पड़ता है 25,000, आपको एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ कि कितना रुपये आपका पड़ेगा, 25,500 ही आप पकड़ लीजिए कि इतना रुपया आपको पड़ेगा एक क्वांटिटी लेने के लिए, ठीक है ना, मतलब लॉट साइज, एक लॉट साइज लेने के लिए। तो आप लोग एक लॉट लेंगे तो आपको इतना देना पड़ेगा, 255 से आप लोग मतलब डिवाइड कर सकते हैं, तो आप लोग पता लग जाएगा कि एक लॉट के लिए कितना क्वांटिटी होते हैं, कितना क्वांटिटी होते हैं। हम लोग इसको 255 से करेंगे तो कितना क्वांटिटी हुआ, 100 क्वांटिटी, तो एक लॉट में 100 क्वांटिटी होता है, ठीक है ना, जो क्वांटिटी हमारा होता है वो 100 क्वांटिटी होता है। तो एक लॉट में इसका 100 क्वांटिटी होता है जो ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए, तो इसमें ज्यादा पैसे भी लगते हैं, तो 25,500 रुपये आपको लगता है सिर्फ उसका दाम अभी 255 रुपये चल रहा है तब, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। देखिए हम लोग कहां पे बताए थे, हम लोग बताए थे यहां पे जब इसको ब्रेकआउट दिया तब हम लोग बताए थे कि इसको ट्रेड करना है, और यहां पे हम लोग खत्म कर दिया, ठीक है, छोटा मोटा, क्योंकि मैं भी नया हूं ट्रेड में, इस ट्रेड में। तो हम लोगों को जैसे मतलब प्राइस एक्शन जैसे समझा मैंने, इसको पहले मैं देखूंगा सीखूंगा, पहले अच्छे तरीके से देखूंगा, मैं खुद प्रॉफिटेबल हूंगा, ठीक है ना, तब इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए मैंने थोड़ी बहुत करके देखा इस ट्रेड में, एक लॉट लेके मैंने देखा कि इस चीज में उतना ज्यादा मतलब कठिन नहीं है, जो प्राइस एक्शन समझ जाता है उनके लिए ठीक है, लेकिन जो बीटीएसटी लेके जाता है, तो मैं तो मतलब इक्विटी में भी बीटीएसटी ऑप्शन में लेके नहीं जाता हूं, तो इसमें क्या ही लेके जाएंगे, तो इसमें तो मैं नहीं लेके जाऊंगा, ठीक है ना। तो क्रूड ऑयल में आपको जानना है, और ज्यादा जानना है, और MCX ट्रेड के बारे में और ज्यादा सीखना है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस चैनल में हम लोग अच्छे तरीके से एक लाइव भी सेशन करेंगे, उसके साथ साथ आपके साथ हम लोग एक बैच भी तैयार करेंगे कि एक बैच में हम लोग जे सर हम मेरे को सीखना है तो सीखना है बता दीजिए, और हर महीने उसके लिए चार्ज लगेगा, जो चार्ज हम लोग लेंगे 4999, ठीक है, तो एक महीने के लिए हम लोग चार्ज लेंगे इतना। तो क्रूड ऑयल पूरा के पूरा सिखाएंगे आपके साथ, और उसका आप लोग लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि क्रूड ऑयल पहले सीखना है, ठीक है ना, पहले सीखिए, क्योंकि देखिए क्रूड ऑयल का मैंने बहुत सारे दिन से मैं देख रहा हूँ, तो उसके बारे में आपको बताना था कि हाँ ऐसे ट्रेड होता है, और ये ट्रेड उतना आसान मतलब आसान भी है और लेके जाना आसान नहीं है, ठीक है ना। बीटीएसटी में मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन देखिए क्या होते हैं, लेकिन इसमें क्या है ना, लिक्विडिटी बहुत कम है, ठीक है, लिक्विडिटी कम होने की वजह से क्या होता है कि क्वांटिटी आपको मतलब मार्केट प्राइस में नहीं मिलेगा, आपको रखना पड़ेगा कि इस प्राइस में आ जाए, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है, ऐसे नहीं कि देखिए जब ये गिरा ना, आप सुबह से देखेंगे तो ये जब गिरा तब देखिए कितना बेहतरीन आपको ट्रेड मिल गया, ठीक है, ये जब गिरा मतलब आप लोग देखेंगे तो ये उठा, क्रूड ऑयल का प्राइस जो बढ़ा था, ठीक है, मैं आपको इसी के बारे में बातचीत किया था, देखिए ये जब बढ़ा था क्रूड ऑयल का प्राइस, तब हम लोग ये सी ले लेते तो क्या होता, यहाँ पे सी क्या होता, 6,900 का सी होता, ठीक है, 6,000 या तो 7,000 का सी होता, मैं आपको दिखा देता हूँ किस क्रूड ऑयल का 7,000 का सी, मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कि कैसे आपको लेना है, ठीक है ना। क्रूड ऑयल का यहाँ पे देखेंगे तो इस पे जाके हम लोग लिखेंगे 7,000 का, ठीक है, सी, ओके। तो देखिए कितना बेहतरीन आपको प्राइस मिला, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पूरा के पूरा आप लोग देखिए कहाँ पे था, 110 रुपये, 110 से सीधा के सीधा कहाँ तक चला गया, 152 रुपये तक। लेकिन देखिए कितना टाइम लगा उसको, ठीक है, पहले ये बात समझे कि कितना टाइम लगा, मतलब इसको जाने के लिए इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ही कम है, तो आपके लिए इसके लिए ना पेशेंस बहुत ही ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है, ये सब आपका आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा।
तो चलिए, इस वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और लाइक 100 चाहिए मेरे को, और उसके साथ साथ शेयर कीजिए दोस्तों के साथ जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। और आप लोग चाहे तो हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके बेल बटन के दबा देना, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय, फिर मुलाकात होगा एक नया वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।